और देखिए 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की कार्यवाही चल रही है। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश किया गया है, ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से वादा किया गया था। आपको बताएं कि आरटीएक्स के बाद ये बड़ा कदम सरकार का है। सामाजिक सुरक्षा का अधिकार भी सरकार लोगों को देने जा रही है और मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसी सत्र में इस बिल को लाया भी जाएगा। 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की कार्यवाही चल रही है, कई महत्वपूर्ण विधेयक जो कि पेश किए जा रहे हैं जिन पर चर्चा है उसके बाद पेश किया गया, लेकिन अहम यह है कि राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पेश कर दिया गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तो देखिए स्वास्थ्य के बाद सामाजिक सुरक्षा का अधिकार भी लोगों को मिले और इसके तहत तैयारी भी लगातार सरकार की तरफ से की जा रही थी। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब पेंशन की राशि पेंशन धारकों के खाते में हस्तांतरित की थी उस समय लोगों ने मांग भी मुख्यमंत्री से की थी। फोनलाइन पर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ, नरेश शर्मा उनका रुख करेंगे। नरेश जी, क्योंकि बेहद अहम है ये, मुख्यमंत्री ने वादा भी किया था और राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर स्वास्थ्य के साथ सामाजिक सुरक्षा का अधिकार भी लोगों को मिलने वाला है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले 6 जुलाई को जब फर्स्ट इंडिया ने इसके बारे में जिक्र किया था कि इस तरह का कानून सरकार बनाने जा रही है, उसके बाद आज ये विधेयक है वो प्रस्तावित हो गया है सदन में। अब आने वाले दिनों में कल या परसों जो है इस पर चर्चा होगी सदन में। अभी जो बीएससी की मीटिंग है उसमें तय हो जाएगा कि इसकी तारीख क्या रहेगी और जब इस पर चर्चा होगी और साथ में जब बिल पास हो जाएगा, इसका मतलब सीधा सा यह है कि प्रदेश में लोगों को न्यूनतम आय की गारंटी मिलेगी, यानी कम से कम जो उनकी आय है वो रहेगी। क्योंकि जो कई जो योजना है साथ में शहरी जो रोजगार योजना है, ग्रामीण रोजगार योजना है, वो तो है ही, और साथ में जो पेंशन है उसको लेके भी इसमें जिक्र है कि पेंशन कम से कम 1,000 रुपए जो है प्रतिमाह होगी और इस पेंशन में 15% बढ़ोतरी होगी हर साल, जिसमें जुलाई में और जनवरी में 10% और 5% इस तरह से बढ़ोतरी इसमें की जाएगी। यानी कि अब जब ये कानून बन जाएगा, जब विधानसभा में विधेयक पास हो जाएगा, उसके बाद जब राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे, ये कानून जब बन जाएगा उसके बाद जो पेंशन मिल रही है प्रदेश में लोगों को, कि आगे भविष्य में जो पेंशन के हकदार होंगे उनकी पेंशन कम नहीं की जा सकेगी, बल्कि जो न्यूनतम 1,000 रुपए पेंशन तो मिलेगी, साथ में जो हर साल में जो बढ़ोतरी होगी उसका प्रावधान भी किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण जो विधेयक है वो आज सदन में रखा गया है और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पहले घोषणा की थी इस तरह का जो कानून है वो बनाने जा रहे हैं और साथ में एक तरह से कहे कि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भी इसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जो लोग जो सरकार उनको एक सामाजिक सुरक्षा दे रही है कि उनको जो एक न्यूनतम आय हो किसी न किसी तरीके से, वो पेंशन हो चाहे रोजगार हो उसके माध्यम से, तो ऐसे में ये राजस्थान जो है वो देश का पहला सा राज्य बनेगा जिसमें इस तरह का जो गारंटी का अधिकार है लोगों को मिलेगा, रोजगार की गारंटी है वो प्रदेश की जनता को मिलेगी। यानी नरेश जी, ये है सरकार कोई भी हो, ना केवल बढ़ी हुई पेंशन लोगों को मिलेगी बल्कि उसमें जो लगातार बढ़ोतरी होगी वो भी होती रहेगी, उसे रोका नहीं जा सकेगा फिर। बिल्कुल, देखिए जो अभी सरकार ने ये तय कर लिया है, अभी पिछला जो बजट था उसमें था कि जितनी भी पेंशन थी उनको बढ़ाया गया था और अब न्यूनतम पेंशन जो है प्रदेश में वो 1,000 रुपए है। तो अब ये नियम बन जाएगा जब ये विधेयक पास होगा उसके बाद कि इस पेंशन को कम नहीं किया जा सकेगा और न कम किया जा सकेगा बल्कि इसमें हर साल बढ़ोतरी और होगी, इसका भी इसमें प्रावधान है। अगर इस विधेयक को हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें इसका उल्लेख है कि हर साल 15% जो है इसमें बढ़ोतरी की जाएगी पेंशन की राशि में और 2 किस्तों में की जाएगी, जुलाई में और जनवरी में। तो 2 बार जो पेंशन की राशि बढ़ेगी, 1 बार 10% बढ़ेगी, 1 बार 5% बढ़ेगी। तो ये बड़ा कह सकते हैं कि बड़ा तोहफा होगा पेंशनधारियों को प्रदेश में, जिन लोगों को पेंशन मिल रही है उनको, कि किसी तरह से पेंशन ना कम होगी बल्कि अब कोई भी सरकार आए भविष्य में किसी का भी शासन रहे, जो पेंशनधारी है उनकी पेंशन ऑटोमेटिक बढ़ेगी, उसके लिए अब कहीं जाने की, कहीं ज्ञापन देने की, कहीं आंदोलन करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नरेश जी, और ये बड़ा कदम है, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।